Assalamu alaikum. Welcome back, my dear students. How are you? I hope my all students are very happy at their home and enjoy their 2 weeks holidays and not holidays and also enjoy their Eid al-Zaha holidays too. I hope so. कि आप सब बच्चों ने अपनी holidays को जैसे enjoy कर रहे हैं तो अपने उसके साथ अपनी अगर जो आपकी holidays हम लोगों ने include की थी आपकी आपको relaxation मिला था Eid al-Zaha का तो आपने enjoy किया होगा. लेकिन इस सब वन ऑफ द वेरी पेनफुल यू से न्यूज़ फॉर मी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा ये सुन के और बल्कि स्पेशली देख के कि क्लास में किसी भी बच्चे ने 5 क्लास की नोटबुक जो है साइंस की वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू अपग्रेड नहीं बनाई जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा था. इस वन ऑफ द वेरी पेनफुल एंड वेरी बी अ वेरी यू से अ पैनिक सिचुएशन फॉर मी कि जब मेरे पास वो नोटबुक्स आई मुझे बहुत दुख लगा कि मैंने आप लोगों को डे वन से मुराद है कि लॉकडाउन सिचुएशन की ड्यूरेशन के बाद या ड्यूरेशन में जैसे ही अभी भी आपको पता लॉकडाउन सिचुएशन ही है लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन में जैसे मैंने आपको क्लास का मुझे टाइम टेबल मिला मैंने थॉरली इसको एक्सप्लेन किया कि आपने बुक को कैसे यूज़ करना है हाउ यू यूज़ योर टेक्स्ट बुक. मैंने टेक्स्ट बुक को आपको बारहा पढ़ाते हुए बताया है कि ड्यूरिंग योर लेसन रीडिंग ड्यूरिंग योर चैप्टर रीडिंग मेक श्योर टू बी क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट वन मेक श्योर टू योर रीडिंग एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर रीडिंग. जब आप रीडिंग करते हैं दैट मीन्स दैट इज वन ऑफ द गुड एडवांटेज फॉर यू एंड अदर थिंग इज व्हाट अबाउट योर कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट अगर उसमें आप लोगों को आए इंफॉर्मेशन के लिए उसमें एक्सपेरिमेंट है उसमें आपके पास डेफिनेशन है यू हैव अ लॉट ऑफ मटीरियल डेफिनेशन एक्सपेरिमेंट पावर पॉइंट पिक्चर रिसोर्स प्रैक्टिकल बेस्ड इट मीन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफरेंट पर्पज. फिर ऑब्जेक्टिव थ्यूरी के लिए मैंने आपको बार बार बताया है कि फॉर ऑब्जेक्टिव वर्क आप लोग उस चीज को प्रीफर करें कि रफ रजिस्टर लें आपके पास रिसोर्स पैक है. रिसोर्स पैक में भी मैंने वर्कशीट शुरू नहीं करवाई आप लोग उन वर्कशीट्स को देखें जो बच्चे बना सकते हैं दे कैन बी इजीली मेक देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसके अंदर आपको बाकायदा तौर पे पूरी पूरी क्वेश्चन शीट दी गई है. लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा क्लास में सिर्फ एक बच्चा मुझे नाम लिया लेकिन उसकी बुक नोटबुक अव्वल लेनी थी बड़ी. मैंने आपको क्लियर किया था कि जस्ट प्लीज बाय अ विंग बाय अ वन बिग नोटबुक नरल लाइन वन साइड ब्लैंक पेज. अब मुझे वो दोबारा से आपको बताना पड़ना जो मेरे पास 8 या 9 नोटबुक्स आई थी 52 बच्चों में से आई जस्ट गॉट ओनली 10 नोटबुक्स थी. मैं उनके नाम भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा और सभी की इनकम्प्लीट थी बाय गॉड. अब चैप्टर नंबर 3 आपका इन प्रोग्रेस है और उसमें चैप्टर वन ही कंप्लीट नहीं था. और मुझे इतना दुख हुआ आई रियली फील सो पेन या मुझे इतनी तकलीफ हुई कि आप लोगों को 45 का आपके लेक्चर्स जो जाते हैं ग्रुप में शेयर करते हैं दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन 40 मिनट्स 45 मिनट्स मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स साइंस का मुझे पता है उसको वैसे ही एक्सप्लेन किया जाता है जैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं. मुझे नहीं पता अब आप लोगों के माइंड में कौन सी बात स्टक कर गई कि अगर आप घर में बैठे हैं तो आपने ये बात बना ली कि सुनना या नहीं सुनना जस्ट फॉरगेट इट आप उसको छोड़ दें और काम गलत मलत कर दें. ये तो गलत बात है बेटा. अगर देखिए इंशाल्लाह ताला स्कूल ओपन होने हैं विद 10 डेज विद 20 डेज विद इन अ मंथ इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होगा जब हम काम मांगेंगे तो आपका टोटली बैंक होंगे टोटली रॉ आएंगे क्लास में. ये आपके लिए इंसल्ट होगी मेरे लिए तो नहीं क्योंकि मेरे पास तो अपने हर काम का प्रूफ मौजूद है मैंने प्लानर भी फिल किया है और मेरे पास लिंक्स मौजूद है जो मैंने भेजे हैं. लेकिन कोई काम का कोई पावर पॉइंट होता है आपके नोटबुक्स के ऊपर कोई इंडेक्स कंप्लीट नहीं थे कोई उसके फोल्डर नहीं बने हुए थे कोई टर्म फोल्डर नहीं बना हुआ था. मैंने आपसे कहा था कि जस्ट मेक श्योर टू मेक अ फोल्डर उस पर कुछ मत लिखे. मैंने तो ये भी आप लोगों को कहा था आप मत लिखे ये मेरी जिम्मेदारी इस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने उसमें फर्स्ट टर्म लिखना है या मैंने उसको टाइप बना के उसका कौन से फोल्डर बना के उसका चैप्टर वन कीपिंग हेल्दी उसके जैसे कंप्लीट हो रहा है उसके बाद अगले का है. और रिसोर्स क्वेश्चन तो सारे आपके रिसोर्स पैक में मौजूद थे जो आप लोगों को विद द बेस्ट ऑफ टाइम मैं बार बार करता हूँ इसका मतलब आप लोगों ने रिसोर्स पैक लिया नहीं होगा जो आप लोगों को जरूरत नहीं होगी. फिर इस चीज को ही बाद में जब क्लासेस शुरू होंगी जब टेस्ट होती है असेसमेंट होती है एग्जाम आता है पास पेपर ही उसके अंदर इंक्लूड है 2017-18-19 तक के उसके अंदर मिड ईयर तक के सारे पास पेपर हैं जो इसी एग्जाम स्ट्रेटजी के मुताबिक बने हैं जो हम लेते हैं. फिर असेसमेंट उसके अंदर डाली गई है इसीलिए डाली गई है कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का दुख हुई है कि वो पेरेंट्स इस चीज को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं ये काम मुश्किल है ये समझ में नहीं आता. फिर उसको समझने की कोशिश तो करें आप
आप बच्ची हैं, अगर आप लोगों ने ईयर लगाया हुआ है, ईयरफोन लगाया हुआ है, आप खाली ये सुनते हैं कि मैंने क्या कहा, ये नहीं देखते कि उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, कि उसको प्रैक्टिकल क्या है, डेट लिखना है, चैप्टर ना। और मैंने ये भी क्लियर किया था कि जस्ट राइट योर डेट डे ओनली वन टाइम। मैंने तो बार बार कहा ही नहीं था कि आप एक दफा लिख दें। अगर आपने अब 6 अगस्त 2020 को काम शुरू किया है, क्लास वर्क लिखा, तस्वीर लिखा है, चैप्टर की इनकी जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन अगर चला आ रहा है चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर में, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ऑन द नेक्स्ट पेज क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ऑन द नेक्स्ट पेज क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, आप अपने क्वेश्चंस को कैरी करें, बट अबाउट द 2025 पर जाके खत्म हो जाता है जो नोटबुक का। आप लोगों ने जिसका दिल चाहता है चैप्टर क्वेश्चन 14 डिफरेंशिएट टर्म्स तो इस पे एक्सप्लेन कर देते हैं, और आपको बार बार करके उसकी शीट जो मैंने आपको खुद अपनी हैंडमेड हाथ से लिख के दी है बाय यूजिंग डेफिनेशन एग्जांपल, वो आप लोगों ने रफ रजिस्टर्स पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो आपका डबल वेटेज है। दैट मस्ट बी यूज फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट टर्म्स फॉर द डिफरेंशिएट क्वेश्चन, दैट मस्ट बी यूज फॉर योर क्विज क्वेश्चन, पेल्टन क्वेश्चन की उसके अंदर इतनी सारी शीट थी। एनी हो, मैं जिस तरह काम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज आप इसी तरह काम करें, और जो ड्यू डेट आपको आए उस डेट पे तमाम बच्चे अपनी नोटबुक्स को स्कूल दे जाएं विद इन 2 डेज में। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको चेक करके, अगर आप लोग मंडे को फ्राइडे को देकर जाते हैं, थर्सडे को देकर जाते हैं, थर्सडे फ्राइडे वेनेसडे थर्सडे में सब एक डेट लेना होता है, अगर आप देख जाते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने अगर वो फ्राइडे को चेक कर ली है, सैटरडे को कर ली है, संडे को कर ली है, मैं उसको संडे वाले दिन क्योंकि ऑफ होता है, मंडे वाले दिन एज एट ए टाइम में मैं स्कूल खुद देख कर आऊं। इस पर वेरी बैड कि आप लोगों ने, मुझे बहुत ज्यादा इस बात पे दुख हुआ है कि आप लोगों ने इतना गंदा काम किया है और टाइम वेस्ट किया नोटबुक्स के ऊपर। ओके, पेज नंबर 16, चैप्टर नंबर 3, टॉपिक इज चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग ईद से पहले पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन के बारे में और ट्राई इट आउट पेज नंबर 59 तक पढ़ाया था। अब आते हैं हम पेज नंबर 60 to 63। आज हमने 3 पेजेस को पढ़ना है। मेल्टिंग, व्हाट अबाउट द टर्म मेल्टिंग, पिघलना, MELT। आजकल जैसे गर्मियां हैं, अब मेल्टिंग चीजें बहुत जल्दी मेल्ट होती है, लाइक यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ आइस, चॉकलेट, आइसक्रीम, घी, ओके, फलूदा, जो चीजें इजीली मेल्ट होती हैं ड्यू टू हॉट टेम्परेचर। ओके, मेल्टिंग एट द पेज नंबर 60, इफ यू लीव एन आइस क्यूब, प्लीज वॉच दिस सोर्स वेरी केयरफुली एंड आई गिव द स्टेटमेंट, इफ यू लीव एन आइस क्यूब, दिस इज द आइस क्यूब आउटसाइड द फ्रीजर, फ्रीजर से आप आइस क्यूब निकालें और उसको आप किसी प्लेट में ओपन रखते हैं, इट चेंज फ्रॉम अ सॉलिड आइस इनटू लिक्विड एट द फ्यू मिनट्स एट द फ्यू टाइम, it change underline please changes from a solid ice into liquid water after some time, the change of a solid, the change किसी ठोस चीज का, किसी सख्त चीज का, solid चीज का ice में change होना is called, this situation is called, this process is called a melting process. You take the example of chocolate, chocolate आजकल देखें आप लें chocolate slice, chocolate bar लें, packet में होती है, melt होती है, लेकिन जैसे इसको freezer में रखें Within 10 minutes, 20 minutes, वो बिल्कुल hard हो जाती है। सर्दियों में वैसे क्योंकि temperature उसको already frozen मिलता है। Okay? The ice cube gains heat underline this point, और ये point आप पहले भी grade 4 में keeping warm में पढ़ कर आए, ये उसकी detail है। The ice cube gains heat from the surroundings and surrounding इर्द-गिर्द का जो temperature affect करता है, and increase the temperature increases. When its temperature increases to 0 degree, जब temperature इसका increase करता है at the 0 degree centigrade, 0 degree Celsius पे, it starts to melt, ये foreign melt होने लग पड़ता है. The temperature at which ice melt is called melting point. आपने boiling point में water का temperature पढ़ा 100 degree under Celsius था, और melting में 0 degree है. It's most important for MCQ's best answer. Different solids have different, अब different solids के different जो हैं वो मेल्टिंग पॉइंट देते हैं। व्हाट अबाउट बेंजोनिक एसिड, आप जब हाई क्लास में जाते हैं फिर आपको पढ़ने को मर्करी का, बेंजोनिक एसिड का, क्लोरीन का, पेट्रोल का, सो डिफरेंट जो हमारे पास इसलिए क्या डिफरेंट सॉलिड्स हैं, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। इसका बुक में उन्होंने एग्जाम्पल नहीं ली हुई, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो ग्रेड 5 के अदर जो पब्लिशर्स की उन्होंने दी होती है। मैंने आपको इसलिए बताया मर्करी का, बेंजोनिक एसिड का ले सकते हैं, पेट्रोल का ले सकते हैं, डिफरेंट जो है उनके आप देखना चाहे तो नेट पे देख सकते हैं, बट वो द अदर
solid ambient melting point. Does the temperature of the solid change when it melting? What about the situation? Yes or no? इसको आपने बुक पे ही मेंशन कर दिया आंसर को विद हेल्प ऑफ लेड पेंसिल. ओके, इन द सेकंड पार्ट या बुक पे लिखें, दिस इज द सोर्स स्पेस, देयर वन बॉय एंड गर्ल. ओके, एंड दे आर बी स्टैंडिंग इन द साइंस लैब यूजिंग अ वुडन टेबल, टू बीकर्स. आप प्रेटस देखें, इनके पास है टू बीकर्स, थर्मामीटर है. व्हाट आर द गर्ल एंड बॉय इज डूइंग, कीप इन माइंड दैट आयशा वाइंड्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यूजिंग अ थर्मामीटर. आयशा ने थर्मामीटर लिया है, रूम थर्मामीटर, शी इज टेकिंग द रूम थर्मामीटर, वो साइज में बड़ा होता है. एंड शी पुट दैट थर्मामीटर इनटू द आइस क्यूब, व्हिच आइस क्यूब्स आर पुट इनटू अ बीकर, सेम साइज के बीकर है. ठीक है, व्हाई सेकंड ओपिनियन, यानी जो उसका क्लास फेलो है, दूसरी तरफ अली, इज यूज्ड अ टेम्परेचर सेंसर. यू रीड अबाउट द टेम्परेचर डाटा लॉग सेंसर्स इन कीपिंग वार्म. मैंने इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाते हुए आपके प्रीवियस क्लास के चैप्टर की एग्जांपल दिए हैं. यू रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टॉप, जैसे कोविड 19 को चेक करना हो डॉक्टर टेम्परेचर के लिहाज से, वो लोग थर्मामीटर नहीं यूज करते, फॉरेन स्कैनर यूज करते हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो स्लाइड पर आ जाता है. सेम आपको ये चीजें जो है कीपिंग वार्म में ये पढ़ के आए, मटीरियल के बारे में, इस रिसोर्स के बारे में. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल सोर्स. ओके, व्हाई यूजेस द अली इज यूजेस अ टेम्परेचर सेंसर विद अ डेटा लॉजर, जिसपे फॉरन डेटा आने लगता है उसका मेल्टिंग का जो भी है. ओके, व्हाट अबाउट द पैसेज नाउ. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, एज यू नो इट वेरी वेल. द मेल्टिंग आइस रिमेंस एट द टेम्परेचर अंटिल एट द आइस इज मेल्टेड. द मेल्टिंग आइस, जो मेल्ट आइस है, जो पिघली हुई बर्फ है, पिघला हुआ बर्फ का पानी है, आइस है उसका, रिमेन्स एट दिस टेम्परेचर, वो रिमेन स्टिल रहता है इस दर्जा हरारत पे, अंटिल यूजिंग अ कंजक्शन हियर, ऑल दिस आइस हैज मेल्टेड, जब तक पूरी आइस जो है, पीसेस जो है, टोटली मेल्ट ना हो जाए. डू यू नोटिस दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज द सेम एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इट मीन्स दैट इट इंडिकेट दैट. डू यू नोटिस, क्या आपने इस चीज को नोटिस किया, एग्जामाइन किया, जज किया, ऑब्जर्व किया, यूज डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्लेन योर आंसर, दैट द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उसका जो पिघलने का पॉइंट है, उसका मेल्ट होने का जो पॉइंट है, ठीक है, ऑफ आइस, आइस का, बर्फ का, उसमें इज द सेम, वो सेम है एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इसका आंसर भी इसके आगे लेड पेंसिल से आपने उसको मेंशन कर देना है. What about the term boiling? ये आपका short question भी है, differentiate term भी है. Boiling, उबलना. As you know, water boils at 100 degree centigrade. अगर हम उसको boil करते हैं, अब इसमें आपके resource हैं कि there is the pan and pan is being having water, tap water है इसके अंदर. अब जरा गौर से देखें. When water boils, जब पानी उबलता है, you take a pan and put the water and just lit the fire on the stove and arrange your pan, properly arrange your pan on a stove, और आप उसको जला देते हैं, fire flame ऊंचा कर देते हैं, open कर देते हैं. We see जैसे पानी मतलब तेजी से boil तो bubbles बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, bubbles की आवाज आती है, sound track उसमें आता है आपके बर्तन में जो आप use करते हैं, ठीक है, in the boiling water, उबलते पानी में. What do the bubbles contain? ये bubbles क्या होते हैं? मैंने आपको बिल्कुल जो लिटरली ये पेन था, इसलिए सोचें मैंने आपको आइस सॉलिड फॉर्म में, फिर मेल्ट फॉर्म में और स्टीम फॉर्म में बताया था. अब इससे आपको आइडिया होगा कि बबल्स क्या हैं. व्हाट अबाउट द बबल्स, जो उसमें राउंड फॉर्म में बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, ठीक है, और ये नजर भी आ रही है, देखें एक तो आ रहा है कि द बबल्स कंटेन वाटर इन द गैशियस स्टेट. ये कौन सी स्टेट है, इसकी आप स्टेट को पहले देखें, सॉलिड में जैसे मैंने पहले बताया. व्हाट अबाउट द लिक्विड, व्हाट अबाउट द गैस, इसकी स्टेट चेक करें क्या, ठीक है. और मिस्ट, मिस्ट कहते कोहर को. स्टील के बर्तन में अगर कोई चीज रखे ना, सपोज अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रॉनिक अगर आप लोग बोले केटल ने, ये भी आपने कीपिंग वॉर्म में लिखा है, तो जब उसके अंदर पानी डाला जाता है ना, पानी जब ठंडा होता है तो उसका एक अपना टेम्परेचर होता है, धो के अगर आप उसको कैटल को डालें, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर उसको सेट करते हैं उसके पॉज पे और उसको आप लगा देते हैं, स्विच लगाते हैं, तो आपको वो मिस्ट जो है वो स्टील के ऊपर से रिमूव होता दिखाई देता है, उसके ऊपर से फौरन वो क्लियर हो जाता है और वो जो पार्ट है मेटल है वो फिर गर्म होने लग पड़ता है. इट मीन दैट कि ये कंटेनर में जो पानी है, गौर से देखें इस पूरे रिसोर्स को, द लेवल ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड यानी कि लिक्विड
व्हाट अबाउट लिक्विड, वो वाटर है, माया है, पानी है, ठीक है. द लेवल ऑफ लिक्विड, जो पानी की इसमें सतह है, उसका लेवल जो है, उसका जो स्टेज है, यहाँ पे ये देखिए बराबर लेवल जो सतह है, वाटर डिक्रीज विद टाइम. वो जैसे जैसे देखिए उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपैंड नहीं करते, वो सुकड़ने लग पड़ते हैं गर्म करने पे, उसको गर्म करने पे, हीट करने पे. व्हाट हैपेंड टू द लिक्विड वाटर, व्हाट कॉजेस इज दिस चेंज. अब उसने दो पॉइंट्स को पिक्चर में ऐसे एक्सप्लेन किया है. पहला देखिए, द मिस्ट इज मेड अप ऑफ द टाइनी ड्रॉपलेट्स, टाइनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स दैट आर फॉर्म व्हेन द इनविजिबल, विजिबल दिखाई देना, अ थिंग विच इज क्लियरली बी सीन टू इनविजिबल, थिंग विच इज नॉट बी क्लियर, नॉट बी क्लियर, इनविजिबल स्टीम कंडेंसेस एंड द बबल्स, अ वाटर में बबल्स बन रहे हैं जो ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर कंटेन वाटर इन द गैशियस स्टेट, गैस की सूरत में ये इसकी स्टेट बन रही है. व्हेन द रिसोर्स का पहला आंसर ये है, व्हेन वाटर इज हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री, जब पानी जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉइल होगा, गर्म होगा. मैनी बबल्स फ्रॉम थ्रू आउट द वाटर, देयर आर लॉट ऑफ बबल्स, स्मॉल लिटल लिटल स्मॉल, उसको नाम नजर आएंगे, दिखाई देते हैं, वो नजर आते हैं. दीज बबल्स कंटेन वाटर इन द गैशियस स्टेट, ये गैशियस स्टेट में होते हैं, लिटरली गैशियस स्टेट में होते हैं, गैस बबल्स होते हैं. They are formed when the liquid, ये तब आते हैं, the liquid water gains heat. बार बार मैंने बताया gains heat, increase heat, loss of heat. You read about these all terms in keeping warm. वहां भी आप पढ़ के आए हैं, इसी बेस पे हैं, सेम इसी बेस पे अब डिटेल में हैं. Heat and changes into a gas, and that is changes into a gas. Gas, gas. ये आपके क्वेश्चन को authentically आंसर को एक्सप्लेन कर रहा है. As the water boil, जूं ही पानी उबलता है, यानी पानी की बॉयल की जो शिद्दत है वो एक्सपैंड होती, बढ़ती है, इंक्रीज होती है. The bubbles rise up, bubbles ऊपर. मैंने उर्दू में इसलिए आपको बता रहा हूं कि just to be keen consciously to know that what about the passage resists to you to explain it. क्योंकि इसी तरह भी resource question आते हैं, फिर आप लोगों को करना नहीं आता, जाए आप रीड करेंगे तो आपको आएगा. और इसको समझे, द बबल्स राइज, बबल्स जो है वो ऊपर उठते हैं, नीचे तो नहीं जाएंगे ना. अब देखिए आइस है, वो नीचे मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग का मतलब वो पिघल चुकी है, लेकिन अब उसको टेम्परेचर मिल रहा है, वाटर उसको हम चूल्हे पे गर्म कर रहे हैं, बबल्स ऊपर उठ रहे हैं. एंड एस्केप फ्रॉम द लिक्विड वाटर इनटू एयर राउंड एज ए फॉर्म ऑफ स्टीम. वो एयर में जब ऊपर हवा में ड्राई होकर जाएगा, एवेपोरेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा, आगे भी पढ़ने को मिलेगा कि जब अगर हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, आजकल जैसे कपड़े धोएं, आप उसको स्पिन ना करें, आप कपड़े धोएं, धोने के बाद उसको सफाई से तार पे डाल दें. अगर रिसोर्स क्वेश्चन इसमें आएगा, फॉरन जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में क्या होते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे ये गर्म होने पर गैशियस स्टेट है. एंड व्हाट अबाउट, दिस इज वेरी क्लियर कट पॉइंट, एस्केप फ्रॉम द लिक्विड वाटर इन टू द एयर अराउंड इट. प्योर लिक्विड वाटर, प्योर लिक्विड 100% प्योर लिक्विड वाटर चेंजेस इन टू स्टीम एट 100 डिग्री. बॉइलिंग वाटर आप देखें, अगर आपने खुद पीना हो, आप उसको बॉइल करें, बॉइल करने के बाद उसको कूल करें, कूल करने पर जो ऊपर की लेवल का पानी है उसको आप यूज कर लें, किसी फिल्टर कर लें, नीचे उसके जितनी भी इंप्योरिटीज उसको छोड़ दें, 100% जो प्योर वाटर आपके पास आ जाता है, दैट इज एज बी टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. वो उसका एग्जैक्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है, उसके टेम्परेचर को. द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग. ये बॉइलिंग की टर्म और मेल्टिंग की टर्म, बॉइलिंग पॉइंट की टर्म और मेल्टिंग पॉइंट की टर्म दोनों इसमें चैप्टर में मौजूद है. और यही मैंने आपके ग्रुप में आपको काम शेयर करना है, जो आपने टर्म्स का डेफिनेशन का वर्क अपने रफ रजिस्टर या ड्राफ्टिंग पैड पे करना, नोटबुक पे नहीं. आल्सो कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन वर्ड, द वाटर कंटिन्यूज टू गेन हीट ड्यूरिंग बॉइलिंग. लेकिन पानी जो है वो मसलसल इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस में गेन करता है, गेन अजाफे को कहते हैं, बढ़ता है. इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस इज द होल प्रोसेस विच इंडिकेट द बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट अबाउट देयर शेप स्ट्रक्चर एंड देयर स्ट्रक्चर ऑफ मटीरियल. अदर पेज नंबर 63, दिस इज द पॉइंट एवेपोरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया खुश्क होने के लिए. अब यही सेम थिंग है, ये देखिए evaporation, and this is source based question, ये last year exam में भी आया था. Can liquid water change into a gas without boiling? Look at the photographs. You just mentioned this answer, yes or no. Can liquid water, पानी जो है,
चेंज द डील होता है इनटू अ गैस विदाउट अ कॉइल, ओके, इज दैट गैस सर नो? जरा इसको जरा अपने माइंड में सोचें और बताएं, जो एग्जांपल मैंने इससे पहले आपको दिया, यस है तो यस लिखे, नो है तो नो लिखे, और सोच के लिखे वेपोरेशन में क्या प्रोसेस है. लुक एट द फोटोग्राफ वेरी केयरफुली. इन द फर्स्ट फोटोग्राफ देयर आर फ्यू क्लॉथ्स एंड दे जस्ट बी टाइटली स्ट्रेच आउट ऑन अ स्ट्रिंग वायर एंड यूजिंग द क्लिपर्स. ये होता है ना कि हम जो कपड़े डालते हैं उनको क्लिपर लगाते हैं, पेंस लगाते हैं, ताकि वो हवा में उड़ ना जाए उनकी सेफ्टी के लिए. ओके, वेट क्लॉथ्स हैंग आउट फिजल बॉब टू ड्राई. ये गीले कपड़े हैं, उन्हें बाहर खुली फिजा में तार पे डालकर, उसके पदार्थी तार पे या वायर स्ट्रिंग के ऊपर डालकर क्लिपर लगाए हुए और सनलाइट देखने में मिल रहा है. अनदर फॉर्म, अ मैन इज वेयरिंग द लेदर शूज एंड द पडल ऑफ वाटर, यानी कि उसके शूज को पडल ऑफ वाटर, मड ऑफ वाटर लग सकता है, जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, आप बाहर से आते हैं तो मड लग जाता है या कोई इम्प्योरिटीज गंदी लग जाती हैं, उनके खुश्क होने में, साफ होने में क्या रोल. आफ्टर सम टाइम द वेट क्लॉथ्स प्लीज जस्ट टू वॉच द व्हाट अबाउट द रिसोर्स ए आंसर एंड व्हाट अबाउट द बी रिसोर्स. आफ्टर सम टाइम द वेट क्लॉथ्स विल बिकम ड्राई, खुश्क हो जाता है, एंड द पेडल ऑफ वाटर विल डिसअपियर, वो भी गायब हो जाता है. एंड वेयर डिड द वाटर फ्रॉम द क्लॉथ्स, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. लाइफ देखें, बारिशें होती हैं, पानी खड़ा हो जाता है, सीवेज सिस्टम चौक कर जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, अगर ऐसा वाकया दोपहर को होता है या शाम को होता है, रात होते ही दिन की जैसे रोशनी निकलती है, सूरज निकलता है, पानी का लेवल भी कम होता जाता है, द लेवल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर इज ऑल्सो बी गोइंग वेरी लो. एंड एज द सन अपीयर्स, जैसे सनलाइट आती है, तो सनलाइट की जो कह सकते हैं वार्मथ है या उसकी ब्राइटनेस है या उसकी रेज है, वो पूरी उस प्लेस, उस जगह को आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेशन के प्रोसेस में चल जाता है. जैसे अगर आप देखें आजकल गर्मी है, तो जिनके घर में गार्डन होगा या ड्राई प्लेन्स होंगी, कुछ मिट्टी होगी, वो अगर पानी उस पर सेपरेट करते हैं, तो पानी जैसे फेंका जाएगा, जमीन गर्म होगी, एकदम से एग्जॉस्ट निकलेगा, कुछ देर बाद देखेंगे जमीन खुश्क हो जाएगी, यानी कि उसको ऑब्जर्व कर लिया जमीन ने. लेकिन अगर आप पानी ज्यादा ला लेंगे, वहां मड बन जाएगा, कुछ देर बाद देखेंगे वो वेपोरेशन के प्रोसेस में चल जाता है. It means that ये evaporation क्या है, ठीक है? The liquid water in cloths, ये जरा गौर से देखें, liquid water जो कपड़ों में पानी था, and puddle gain heat from the surrounding and change into water vapor. और वो foreign किसमें change हो गए? Water vapors में, पानी के बुखारा, water vapors. Both of like cloths and puddle water. The water from the cloths and puddle disappeared. अपीयर कहते हैं दिखाई देना, नजर आना, डिसअपीयर गायब हो जाना. एक ही कोई मैजिक तो नहीं ना, इट्स नॉट अ मैजिक थ्योरी, इट्स अ साइंटिफिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर. द चेंज ऑफ अ लिक्विड, प्लीज मेक श्योर दिस टर्म, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस, वो लिक्विड टर्म जो कि गैस में चेंज हो रहा है, एंड ऑल ऑफ सडन गैस में ब्लू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन. Evaporation, E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. How quickly evaporation takes place is known. अब कितनी जल्दी, जैसे आजकल मैंने बताया गर्मी है और आपको पता है कि चूंकि ज्यादा सूरज निकला हो, आप इधर कपड़े डालें विद इन 10 मिनट्स बाद देखो ड्राई हो जाते हैं. इसका मतलब है, इट मीन्स दैट द रेट ऑफ evaporation इमीजिएटली अफेक्ट ऑन दैट फैब्रिक और क्लॉथ. सिमिलर अगर सर्दियों में कपड़े धोएं, धूप बहुत शदीद निकली होगी तो वो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन अगर धूप कम होगी, डल होगी, मीडियम होगी, मौसम थोड़ा फ्रोजन होगा, मिस्टी होगा, फॉगी होगा, कपड़े नहीं सूखेंगे, टेक्स टू और थ्री डेज, उनको दो या तीन दिन लग जाते, पंखा भी चलाना पड़ जाता है आसपास, ठीक है. हाउ क्विकली वेपोरेशन टेक प्लेस इज नोन, अगर कितनी जल्दी इफेक्ट करता है वेपोरेशन का प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ वेपोरेशन. अंडरलाइन द रेट ऑफ वेपोरेशन. Let us find out what affects the rate of evaporation. अब rate of evaporation का क्या effect है? ये part जो है ये मैंने आपके explain कर देता हूँ, और इसके बाद ये answers जो हैं आप लोगों के group work में मैं share करूँगा. Please मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं instruction साथ लिख के देता हूँ कि जो answer आपने textbook पे लगाना है, using by your drafting pad और using by your special colorful और plain sticky notepad, आप उस पे लिख के textbook पे लगाएं. Question को highlight कर दे जैसे मैंने कहा, और उसका आंसर जो होता है वो उसके नीचे या उसके ऊपर प्लेस पे लगा दें, क्योंकि ये सोर्स बेस होते हैं.
ठीक है, लेकिन जो आंसर आपके नोटबुक पे करने वाले होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वो हमने नोटबुक को असेस करना है, हमने चेक करना है, टेक्स्ट बुक को भी चेक किया जाता है, लेकिन जो आंसर आपके टेक्स्ट बुक हमसे रिक्वायर करता है, सपोज थिंक अबाउट इट, ट्राई इट आउट, ओके, थिंक टैंक आ जाता है, टेक्स्ट आंसर है, वो तो हमने बुक पे ही करना है, उसका आंसर, उसका सोल्यूशन हमने बुक पे लिखना होता है। ओके, पेज नंबर 64, डू वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर, ये एक्सपेरिमेंट फेम में उसने आपको चार पिक्चर्स दी है, 1, 2, 3, 4, 5, और 4 वेदर की कंडीशंस को यूज किया है। देखिए पहली है, a very hot day, there is same costume, shirt, any half sleeve shirt and skirt and one small shirt, and the season is hot day. In the next picture, a cool day के हिसाब से उसने थोड़े clouds को show किया। What about the windy day, जिसमें हवाएं चलती हैं? We read about in seasons about the wind, fog, thunder, storm. Social studies में आप लोगों ने ना seasons के जो and a day with still air, जो बिल्कुल hubs होता है, हवा का नामो निशान हो, स्टिल बंद, बिल्कुल हबस, गर्मी शदीद। ओके, ए पोर्शन इंडिकेट अ हॉट डे और अ कूल डे, प्लीज ऑब्जर्व दिस पिक्चर वेरी केयरफुली, इन द सोर्स वन ऑन अ हॉट डे और अ कूल डे, पिक्चर वन इंडिकेट्स अ हॉट डे व्हिच इज शोज अ वेरी सन ब्राइट, हॉट सन ब्राइट, अ कूल डे जस्ट अ कलेक्शन ऑफ और कलेक्टिवली क्लाउड्स देयर, व्हाइट क्लाउड्स देयर, मिल्की क्लाउड्स देयर, and the B on a windy day or a day when the air is still. Okay, 1, 2, 3, 4. Number C, when the cloths are spread out is a phrasal verb, spread out or when they are folded. अब क्या है कि cloths को spread out यानी खोल के डाला जाए, खुले खुले डाल दें एक तार के ऊपर, ठीक है, और ये नीचे देखें पानी के कतरे गिर रहे हैं। अच्छा, cloths folded, अगर इसी shirt, suppose this is a shirt, I'm taking a shirt, चलिए मैं एक शर्ट ले लेता हूँ, ये वेट हो, ये ड्राई है, ठीक है, अगर ये वेट हो, सपोज दिस इज अ शर्ट, ये मेरे नेफ्यू की है, तो अगर ये शर्ट मैंने ले ली है, इफ इट्स वेट, ये गीली है, मैंने इसी को बजाय स्क्रैच करने के, मैं इसी को वेट करके डबल करके इस तरह पेन लगा लूं, वेट है, इट्स नॉट ड्राई, 5 मिनट्स बोर्ड, मैं इसको वहां पर क्लिप लगा दूं और इसको मैं लगा दूं वेट फॉर्म में, इट्स ड्राई, ये शो कर रहा है क्लॉथ्स फोल्डेड को, जो टर्न किया गया है, मतलब फोल्ड करके गया है। कैन यू टेल विच फैक्टर और वेरिएबल इज चेंज इन ईच पेयर ऑफ डायग्राम्स? ओके, कैन यू टेल, क्या आप ये बता सकते हैं विच फैक्टर और वेरिएबल इज चेंज इन ईच ऑफ डायग्राम, कि इन फैक्टर में कौन सा वो खास इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने इनको चेंज किया? मैं ये पूरा पैसेज पढ़ देता हूं, इसका जो आंसर है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर लूंगा, आपने एज इट इज उस आंसर को ड्राफ्टिंग पैड के पेज पे, ड्राफ्टिंग पैड के पेज पे उस आंसर को लिख के इस सिचुएशन को, यूजिंग योर ड्राफ्टिंग पैड पेज एज ए रेट ऑफ प्रोसेस, ड्राफ्टिंग पैड पेज लिख के, मैंने उस पर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि राइट योर आंसर स्टिकी नोट पैड और ड्राफ्टिंग पेज, वो आपने इस फॉर्मेट में यहां लगा के उसको फोल्ड कर देना, इस फॉर्मेट में हल्का सा लिटली स्टिकी नोट पैड है वो तो वैसे स्टिक हो जाएगा अगर उसका आंसर है, लेकिन चूंकि ड्राफ्टिंग पैड पे आपने उस पर लिख के उसको सफाई से लिटली स्लाइटली यूजिंग योर वेरी स्लाइटली जेंटली यूजिंग योर ग्लू स्टिक एंड जस्ट टू पेस्ट इट एंड फोल्ड इट, उसको फोल्ड कर देना। अभी आंसर क्या रिजिस्ट करता है, कैन यू टेल विच फैक्टर और वेरिएबल इज चेंज इन ईच ऑफ डायग्राम, ये जो हमने डिस्कस किए हैं, द वेरिएबल दैट वाज चेंज, जो वेरिएबल इसका परफॉर्म, यू रीड अबाउट इन फेयर टेस्ट इन वेट ट्री, आपने उस पे वेरिएबल कनेक्शंस को पढ़ा होगा इन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉइल का चैप्टर जो था, रॉक्स एंड सॉइल का, यू रीड अबाउट द टर्म्स ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल इन मैथ्स एंड इन साइंस टू इन ग्रेड थ्री, इन ग्रेड थ्री The variable that was changed was the one of that was being investigated. अब ये चार प्रोसेस हैं, इनको देखने के लिए हर चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। किसी देखें, अगर कोई कत्ल हो जाता है तो उसका केस जब पुलिस फॉर्म के पास जाता है उसको पूरी एक होल टीम इन्वेस्टिगेट करती है। सेम दिस इज द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, व्हाट अबाउट द सनलाइट, व्हाट अबाउट द विंड, व्हाट अबाउट द स्टिल डे, व्हाट अबाउट द कूल डे, इट मीन्स इट्स इन्वेस्टिगेटेड बाय द वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट पेयर ऑफ डायग्राम, फर्स्ट वन पेयर, ए पेयर, पेयर ऑफ डायग्राम, कलेक्टिव नाउन, टू पेयर ऑफ डायग्राम, थर्ड पेयर ऑफ डायग्राम,
Okay, in the first pair of diagram, the variable that was changed the temperature of the surroundings, okay, the presence of wind and the surface area are the clouds were kept constant. ये उसको ये पहले को show करता है कि kept constant में कौन सा है, सूरज की रोशनी में अगर वो surface है तो कैसा, wind की situation में क्या. Each variable in the next paragraph, each variable that was changed affect बहुत सारे अंदाज होता है. कैसे, the rate of evaporation जो आप यहाँ पढ़ के हैं, the rate of evaporation, each variable that was changed affects the rate of evaporation. Underline it please. Like wet cloths, जब गीले कपड़े होते हैं, dry faster, वो जल्दी से quick faster, यानी के खुश्क होते हैं. When they are spread out to on a dry and off. Obviously सूरज निकला होगा, आप गीले कपड़े डालेंगे, जैसे आजकल ही आप डालें. सन फुल ब्लूम है, पूरे जोबन पे है, उसकी वार्मथ है, रेडिएशन है, वो उसको मिलेंगी और इजिली ड्राई होगा. हवा चल रही होगी तेज, जैसे कराची में कॉस्टल एरियाज पे चल जाए, दुपट्टे उड़ रहे होते हैं, शर्ट्स उड़ रही होती हैं, और अगर विंडी एरिया होंगे, विंडी मतलब एयर चलेगी, वो फिर भी जल्दी, क्योंकि उसमें हवा का प्रेशर होगा, हवा का दबाव ज्यादा होगा और कपड़ा फैल जाएगा, स्क्रैच होके, स्प्रेड आउट होके खुश्क होगा. दिस इज बिकॉज हाई सराउंडिंग टेम्परेचर. वाई, दिस इज बिकॉज हाई सराउंडिंग टेम्परेचर. इसमें टेम्परेचर जो है हाई सराउंडिंग का अफेक्ट करता है. द प्रेजेंस ऑफ विंड, हवा की मौजूदगी, एंड अ लार्ज सर्फिस एरिया, चूंकि सर्फिस एरिया उसका ज्यादा है, सर्फिस एरिया जो है सराउंडिंग एरिया उसका ज्यादा है, आल इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन. ये सब चीजें रेट ऑफ एवेपोरेशन को यूटिलाइज करती है. अब ये पावर पॉइंट है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें, लास्ट टारगेट है. द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, हाईलाइट इट प्लीज. नंबर वन, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन टू, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, के उस जगह का टेम्परेचर क्या है, इर्द गिर्द का, जहां पे आप कपड़े डाल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट का भी है, वो गार्डन में है, वो छत पे है, वो लॉन में है, वो पब्लिक एरिया में लोगों ने डाले होते हैं. जैसे अगर आप लोग गरीबों के घरों के देखते हैं, झोंपड़ पट्टे होते हैं, उन्होंने अपने घरों के बाहर ही दरख्तों के साथ तारे लगाई होती है या दरख्तों के ऊपर डाले होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ विंड, हवा की मौजूदगी, द सर्फिस एरिया, सर्फिस उस सतह का जो जगह का एरिया है. That is the end of this target. Sorry, इस अगला पेज भी करने, क्योंकि फिर आगे पावर पॉइंट है, फिर चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा. ओके, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को. कोस्टल एरियाज में चले जाएं, स्पेशली इन बलोचिस्तान, गवादर, पंसी, इन कराची, कोस्टल एरियाज जहां पे होते हैं, वहां पे ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है. अगर हम लोग सपोज पंजाब से वहां जाते हैं, वहां का एनवायरमेंट हमें थोड़ा घुटा घुटा महसूस होता है, नमी होती है, चिकनापन सा होता है उसके अंदर. चीजें अगर आपको खाने को मिल जाए, जैसे अगर आप लोग देखें बरसात का सीजन आता है, तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, अगर वो लूज पैक में पड़ी रहे ना, ओपन कर दी जाए, या वो पड़ी पड़ी, उनको थोड़ी नमी लग जाती है, टाइट नहीं होती, लाइक बिस्किट्स, निम्कोस, कुकीज, ये चीजें होती हैं. ह्यूमिडिटी, अंडरलाइन प्लीज, ह्यूमिडिटी इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट. ये फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ एवेपोरेशन को, रेट ऑफ एवेपोरेशन को. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका नोटबुक क्वेश्चन भी है. वाटर वेपर इन द एयर, वाटर वेपोरेट्स क्विकली, वाटर वेपोरेट्स क्विकली व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो. अब ये देखें, टू गर्ल्स एंड बोथ आर सिटिंग ऑन अ चेयर, कंफर्टेबल चेयर, एंड दे आर एंजॉयिंग अ कप ऑफ टी. ओके, वन गर्ल से, व्हाई डू आई फील सो वार्म एंड स्टिकी. दिस गर्ल इज सेइंग दैट, व्हाई डू आई फील वार्म एंड स्टिकी. व्हाट अबाउट द गर्ल आंसर, when the air around is warm, the girl's answers that like we are sitting in the open place and the open place is not covered with any other thing. ab ye open place pe baithi hai aur chai pee rahi hai, open lit cafe hai, cafe show kiya gaya hai, tea cafe hai, aur wo chai pee rahi hai, theek hai, they both are taking a cup of tea. one girl is saying, why do I feel so warm and sticky, she is using her hand expression and face expression too. The other girl say, when the air around is warm, वो कहती जब हमारे इर्द गिर्द हवा जो ठंड होती, गर्म होती है, and humid, humid होती है, the water in your pipestation does not be evaporate quickly. वो जल्दी evaporate नहीं होता, उसको खुश्क होने में टाइम लगता है. That leave you feeling sticky. इसीलिए आप लोग देखें कि गर्मियां हो, अगर आप गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो, आप चाय पिए, आपको अपने आप एग्जॉस्टेड फील होगा, आपके जिस्म में मतलब आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, यू ट्राई टू यूज एनी टिश्यू पेपर टू फर्स्ट वन क्लीन योर फोरहेड और योर फेस, ड्रॉप आउट योर फेस. इसकी वजह है इस फील या स्टिकी टाइम. ट्राई टू कैरी आउट द फील्ड टेस्ट इन योर स्कूल लेबोरेटरी टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर दैट. मैंने पहले आपको बताया कि जितने साइंस लैब से
आपके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, जब इंशाल्लाह ताला आपका स्कूल कमबैक आपका होगा विद द बेस्ट ऑफ टाइम, वेरी वेरी सून, वेरी वेरी विद इन अ डेज इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे, तो आपको साइंस लैब में हम लोग वीक में एक विषय जरूर आपकी क्लास का होता है, ऑलमोस्ट आपकी क्लास का नहीं, जिन क्लासेस को साइंस पढ़ाया जाता है, तो जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एक्सपेरिमेंट होंगे वो मैं आपको लैब में करवाऊंगा। बट यू हैव लर्न दिस पॉइंट, ये आपके इंपॉर्टेंट टारगेट एज ए वर्क टारगेट देख लें, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट थ्योरी अबाउट लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस, वट अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट, वट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, वट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, वट अबाउट द वेपोरेशन ऑफ फ्लूइड, वट अबाउट द रेट डिपेंड ऑन, वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फॉलोइंग फैक्टर, नंबर वन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, यू रीड अबाउट दैट, ए पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ विंड इज द बी पॉइंट, ए बी ए बी सी डी में लिख लिया, 1 2 3 4 5 लिख लिया, सर्फिस एरिया एंड ह्यूमिडिटी टू, ह्यूमिडिटी टू, ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस टारगेट टास्क जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। मैं अब आपको कल इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट लेक्चर में वाटर साइकिल है, मैं सिर्फ यही आपको एक अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग योर मोर देन मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्लीज अब जब मैं आपको नोटबुक के काम के बारे में इंस्ट्रक्शन दूं, तमाम बच्चे इट्स ऑल लिटिल इंफॉर्मेशन एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ऑल स्टूडेंट्स कि आप लोग अपनी नोटबुक जिन बच्चों के पास बड़ी है वो लें, जिस तरह की लेनी मैं उसका पूरा एक प्रोफाइल आपको क्या मेथड है कैसे बनाना है उसको मैं आपको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा इंशाल्लाह ताला मंडे वाली डेट का उसमें आपने उस पर वैसे ही अमल करके कंप्लीट करना है काम। ओके, गुड बाय, खुदा हाफिज़।